पाप को ग्रहण करके पुत्र का भागी बनेंगे, तो आपके लिए जीते की इच्छा होती है और उनके उनके साथ आएंगे उनके छठ पूजा का जो सुबह का जो अर्घ था वो खत्म हो चुका है, हम लोग प्रसाद भी खा चुके हैं, तो इस तरह से हमारा छठ पूजा उनको कष्ट ना हो और आपकी सुरक्षा के लिए ही ये सारी व्यवस्था किया गया है। पूजा के पश्चात आप थोड़ा सा प्रसाद इस आरती काउंटर पर ला के जमा कर दे, ताकि जो महिला जो पुरुष जो भाई जो माता बहन जो इस पूजा से वंचित है उन तक ये प्रसाद चला जाए और आपके तरह वो भी इस छठ महापर्व के पुण्य के भागी बने। बहुत बहुत धन्यवाद। मुंगेर का कस्टर्णी घाट, यहाँ पे बहुत सारी मंदिरें दिखेगी आपको, इधर भी मंदिर है, इधर भी मंदिर है। ये है मुंगेर का कस्टर्णी घाट, कष्टहरणी, और ये सीढ़ी इतना खड़ा सीढ़ी है ना, चढ़ने में बहुत परेशानी होती है। सामने किला है, मीर कासिम का किला है ना ये, सामने मीर कासिम का किला है, इसमें गुफा है, इसमें कहा जाता है कि इसके अंदर से एक गुफा है जो कि सीधा गंगा जी में, सामने जो गंगा जी है उसके नीचे गंगा जी में होते हुए उस पार निकलता है। तमाम भक्तजनों का कस्टर्णी घाट जगन्नाथ मंदिर सेवा समिति हार्दिक अभिनंदन करती है, और एरिकेटिंग के अंदर अस्कार करें। यही किला है वो मीर कासिम का, छठवर्ती है और गंगा स्नान करने वाले जो भी महिला, वो जो व्हाइट वाला रास्ता देख रहे हैं वो नीचे किला के अंदर जाता है। आपसे निवेदन है, हम देखते हैं अगर अंदर जा सकते हैं तो। आपके सुरक्षा के लिए जिला पुलिस बल SDRF, इसका नाम कृष्ण वाटिका रख दिया गया है। देखिए ये जो सामने आप गुफा देख रहे हैं, आपको मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, ये जो गुफा है यहाँ से उतरने का है, नीचे आपको दिख रहा होगा, यहाँ से नीचे उतर के जाने का है वो गुफा, और वो गंगा जी के नीचे तक गुफा जाता है। देखिए वहाँ से आपको सीढ़ी दिख रही है, वहाँ से आपको सीढ़ी दिख रही है, नीचे उतरते हुए ऐसे जा रहा होगा, तो ये गुफा सीधा गंगा के उस पार निकलता है। ये पूरा गार्डन बहुत खूबसूरत गार्डन है, ये कस्टर्णी घाट, इधर देखिए सामने भी अर्घ हो रहा है बबुआ घाट में भी अर्घ हो रहा है, उससे आगे सोजी घाट है वहाँ भी अर्घ दिया जा रहा है। हम लोगों ने गाड़ी आगे लगाया है क्योंकि बैरिकेडिंग थी पुलिस की, तो हम लोगों ने गाड़ी आगे लगाया था, इसलिए हम पैदल जा रहे हैं। ये वो गार्डन कृष्ण वाटिका, और यहाँ से सारा पानी का सप्लाई होता है, यहाँ से पानी का सप्लाई पूरे मुंगेर शहर में होता है।